तो स्वागत है ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में क्लास टेंथ का जो गोधली हिंदी है, ये जो संस्कृत है, उन बच्चों के लिए है, बहुत ही शानदार है। रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम हो बाबू। रामधारी सिंह जो ये चैप्टर का नाम है, जनतंत्र, यानी कि जनतंत्र का जन्म, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये इससे क्यों क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये बिहार के ही हैं, और बिहार बोर्ड में बिहार के व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यानी पूरे अगर बात करें काव्यखंड का जो 12 है, उसमें अधिकतर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग को जानना है। याद रखिएगा, हिंदी में हम लोग का 100 में 95+ यानी 95 के ऊपर आना चाहिए किसी तरह। क्योंकि देखिए, ये बहुत आसान है, काव्यखंड आप समझते चलिए। 1 तारीख से जो भी आपका ऑब्जेक्टिव अपलोड होगा, ऑब्जेक्टिव का हर एक वीडियो, आपको एक वीडियो मिस नहीं करना है। ठीक है, और देखते चलना है। ये मेरा दावा है कि आपका नंबर बाबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ देखिए, रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि है। समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, इनमें से कौन राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या बोलिएगा बाबू, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो काव्य है उसका नाम क्या है, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म मतलब क्या है, जब लोग गुलाम थे उस समय क्या सभी लोग एक होकर के और बोले कि नहीं, हमको देश के लिए लड़ना है, यानी एक जनतंत्र, लोगों के जनतंत्र का जन्म होगा। ठीक है, उसी के बारे में लिखे हैं कि कैसे लोगों के अंदर जुनून आए। इसका एक ट्रिक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको इनके माता का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे ये क्या लिखे हैं याद हो जाएगा। राम का रूप जन्म से रवि की तरह चमकता है। समझिएगा, जो राम जी का रूप था ना, भगवान राम का जो रूप था, वो जन्म से ही, रवि का मतलब होता है सूर्य, सूर्य समझते हैं ना, सूर्य का परवाजी सब दिनकर दिवाकर, तो दिनकर भी आ जा रहा है, दिवाकर ये आ रहा है ना। ठीक है, तो राम का रूप रवि की तरह क्या था, जन्म से ही रवि की तरह चमकता था। राम से हो जाएगा क्या, रामधारी सिंह दिनकर की बात करा है। रूप का मतलब इनके माता का नाम क्या है, तो यहाँ देखिए, माता का नाम इनका मन रूप है। ठीक है, आज जन्म इन्होंने क्या लिखा है, जन्म वाला लिखा है पाठ, यानी जनतंत्र का जन्म, लोकतंत्र का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, और रवि, रवि सिंह इनके पिता का नाम है। तो यहां से आप तीनों याद कर लिए, क्या बोलिएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप क्या बोलिएगा। राम का रूप जन्म से रवि की तरह चमकता है, राम का रूप जन्म से रवि की तरह चमकता है। अब आते हैं पहले इनके जन्म के बारे में जान ले कि रवि की तरह चमक रहा है, यानी रवि के लड़के हैं भाई। ठीक है, रवि सिंह के लड़के हैं, इनका रूप चमक रहा है, तो मन रूप के बेटे हैं तो रूप चमक रहा है, यहाँ समझिएगा। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ, बिहार के हैं तो बिहार में ही हुआ होगा ना जी, 1908 में, आज़ादी के पहले की बात है। कहाँ पे, तो सिमरिया में हुआ था, जो बेगूसराय में आता है, बिहार के बेगूसराय में आता है, जो बिहार में है, याद रखिएगा, इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय। ये क्वेश्चन, ये आपका लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हर हाल में पूछता है, 5 या 7 नंबर का इसमें से रहता है, कभी कभी तो 10 नंबर का भी दे देता है इसी चैप्टर से। तो यहाँ समझिएगा, बेगूसराय बिहार में। इनकी मृत्यु हो गई 1974 में, कब हो गई इनकी मृत्यु, 1974 में। अब यहाँ जानते हैं 24 अप्रैल 1974, माता का नाम मनरूप देवी। अब देखिए, 1908 में जन्म हुआ, जब ये 20 साल के हुए तो हाई स्कूल पढ़ने के लिए गए, मैट्रिक पढ़ने के लिए गए, कहाँ पे, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल पर गए, उनके यहाँ स्कूल नहीं था, उसके लिए कुछ दूरी पर गए 1928 में, 20 साल के बाद, तो 20 साल काउंट कर लीजिए। फिर 1932 में, ठीक इसके 4 साल के बाद, वो बीए पढ़े, बीए इतिहास से पढ़े, ऑनर सब्जेक्ट क्या था, मेन सब्जेक्ट उनका इतिहास था। ठीक है, इतिहास पढ़ लिए, काफ़ी ज़्यादा इतिहास का नॉलेज हो गया, तो बाद में प्रधानाध्यापक भी रहते हैं किसी स्कूल का, किस स्कूल का, तो यहाँ लिखिएगा बरबीघा, बरबीघा स्कूल था, यानी HE स्कूल बरबीघा के वो प्रधानाध्यापक थे। आपसे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, तो क्या बोलिएगा, HE स्कूल बरबीघा के थे। यहाँ देखिए, अब और जॉब भी किए हैं, सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर भी थे, कहाँ पे, जनसंपर्क विभाग के। क्वेश्चन है कि इनमें से किसका, इनमें से कौन जनसंपर्क विभाग के क्या रहे हैं, सब रजिस्ट्रार या सब डायरेक्टर रहे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रामधारी सिंह दिनकर याद रखिएगा, यानी दिनकर, इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं, इतना आपको याद हो गया। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे, जो बिहार यूनिवर्सिटी अपने यहाँ है ना, ठीक है, उसके वही मुजफ्फरपुर वाला बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ के वो हिंदी के प्रोफेसर थे। ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर उपकुलपति कहाँ के थे, ठीक है, किस जगह के थे, तो भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। आप देख सकते हैं, एक और बात बता दें, ये सांसद भी थे,
क्या थे बाबू, संसद, एमपी जो होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये वो भी, यानी सोचिए कितना टैलेंटेड व्यक्ति थे। ठीक है, टैलेंटेड होंगे नहीं, जब माँ और पापा का नाम इतना यूनिक हो तो लड़का भी तो यूनिक होगा ही, यहाँ समझिएगा। काव्य लिखे हैं, गद्य लिखे हैं, इनको पुरस्कार मिला। जब इतना चीज लिखे हैं और इतना काम किए तो इनको पुरस्कार भी मिला। अब काव्य में क्या क्या लिखे हैं तो समझिएगा, प्रण भंग, रेणुका, हुंकार, देखिए नाम अजीब अजीब है, देखिए यहाँ पे रसवंती, कुरुक्षेत्र पूछेगा, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, ठीक है, तो आप बोलिएगा रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ देखिए रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वर्षी, उर्वर्षी इंपॉर्टेंट है, इन पर इनको पुरस्कार मिला था, उर्वर्षी पर। पशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, ये भी याद रखिए, पशुराम की प्रतीक्षा। और यहाँ पे हारे को हरिराम, जब लोग हार जाते हैं, सब कुछ से हार जाते हैं, तो वो राम का नाम जपते हैं, उनमें उनको शांति मिलता है। ठीक है, ये कौन, ये बिहार के व्यक्ति ही एक ऐसा है जो इनके बारे में लिख सकता है, क्योंकि देखिएगा बिहार में थोड़ा सा लोग फीलिंग से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। इनका गद था, गद और काव्य में अंतर समझते हैं ना, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना कविता, वो काव्य है, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, ये वाला गद था। पहले का मतलब क्या है, जैसे भीमराव अंबेडकर, ये सब पूरा का पूरा एक गद था, तो समझिएगा। गद में कहानी टाइप का लिखे हैं, मिट्टी की ओर, अपने मिट्टी की ओर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर समझते हो, आप कहीं फोटो में देखे होंगे, भगवान शंकर और पार्वती का मिलन होता है और उस समय आधा आधा उनका शरीर दिखाई देता है, तो आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, संस्कृति के चार अध्याय, इन पर भी इनको पुरस्कार मिला है, एक इस पर मिला है, एक इस पर, संस्कृति के चार अध्याय। काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की का खोज, यानी शुद्ध कविता जो होता है किसे कहते हैं, उसका खोज किए हैं। ठीक है, अब इनको पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस पर मिला है बाबू, तो वही बता, संस्कृति के चार अध्याय पर मिला है, संस्कृति के चार अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बाबू आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस गद पर मिला है, तो याद रखिएगा आप, साहित्य किस पर मिला है, संस्कृति के चार अध्याय। ज्ञानपीठ किस पर मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यही बताए थे आपको, उर्वर्षी पर मिला है, किस पर मिला है, उर्वर्षी। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है और ये संसद भी रह चुके हैं, तो ये बिहार के थे। अब बताइए कि बिहार का एक आदमी, अच्छा एक बात, बिहार के लोग थोड़ा सा क्रांतिकारी होते हैं, महात्मा गांधी जब पूरा भारत देख लिए कि पूरा भारत में हम क्रांति स्टार्ट कहां से करें, कहां के लोग हमको साथ देंगे, तो बिहारी लोग ही थे, चंपारण में आकर के और लोगों से वो साथ मांगे, तब जाकर के, यानी बिहार के बाबू लोग बहुत क्रांतिकारी होते हैं, तो ये भी बिहार के थे और इन्होंने सोचा, इन्होंने सब चीज देख रहे थे, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था, 1908 में हुआ था, आजादी हम लोग को 1947 में मिली है, तो ये देख रहे थे कि किस तरह लोग एक होकर के अंग्रेजों को क्या कर रहे, भगाने का प्रयास कर रहे थे, तो जब लोग एक हो रहे थे ना, तो ये बच्चे थे तो उस समय देख रहे थे कि अच्छा लोगों को ऐसे ऐसे बात करके एक किया जाता है, तो इसीलिए सब चीज देख करके आइसोलेशन में वही लिख दिए, जनतंत्र माने लोगों का राज, अब यहाँ पे अंग्रेजों का राज नहीं, लोगों का राज रहेगा, अब यहाँ से अंग्रेज यहाँ से चले जाओ, इसी के बारे में है कि हम जनता आ चुकी है, यानी जनता आ गई है, अब यहां से निकलो, जनतंत्र शुरू हो चुका है, अब तुम्हारा राज नहीं रहेगा, अब हम लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं, ठीक है, हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है और इसकी रक्षा करेंगे, पूरी जनता आ रही है, यहां से अंग्रेजों निकलो, यानी जनतंत्र का जन्म हो गया, यानी लोगों की एकता का जन्म हो गया, यही आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय के बारे में लिखे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर ये क्या बोलते हैं, जनतंत्र का जन्म में किसकी व्याख्या किए हैं, तो आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय, ये जो आधुनिक भारत है ना, यहाँ ज़्यादा दिन तक लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सब लोगों के अंदर एक दिन जुनून आएगा और सारा बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो बिना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बिना देर किए लेसन की तरफ चलते हैं। ये उस समय की घटना है जब यहाँ अंग्रेज थे और उस वक्त लोगों के अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया था, यानी देश को बचाने के लिए देश के प्रति प्यार जग उठा था, यानी इस समय जनता जाग चुकी थी, यानी जनता का राज आने वाला था, मतलब ऑलरेडी पहले राजतंत्र खत्म हो चुका था, अब लोकतंत्र यानी शुरू होने वाला था, जिसको जनतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र का जन्म हुआ, लोकतंत्र का जन्म हुआ। यहाँ समझिएगा लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के हैं, गर्व होता है ऐसे व्यक्तियों पर, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, जनतंत्र का जन्म, यानी कि यहाँ पे जनतंत्र का जन्म कैसे हुआ समझिएगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, बहुत दिनों से ये राख जो है ना सुग पूरा बुझा हुआ था, लेकिन अब इसमें आ गया है जुनून, ठीक है, अब ये सुगबुगा उठी। मिट्टी सोने की ताज पहन इटलाती है, दो राह
दो राह समय के पथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ समझिएगा ध्यान से कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि जो बुझी हुई राख थी ना, अब वो क्या हो गई है, सुगबुगा उठी है, यानी कि अब जनता में जुनून आ चुका है। जो मिट्टी है, मिट्टी सोने की ताज पहन इठला चुकी, यानी कि जब अब किसान है ना, अब किसान ऊपर उठना शुरू कर दिए, यानी किसानों के अंदर जुनून आ चुका है, अब वो अपना ताज पहनेंगे। अब राजतंत्र खत्म, अंग्रेजों का तंत्र खत्म, यानी अब जनता, यानी हर एक किसान इस देश का क्या बनेगा, शासक है, उसका राज है, यानी कि यहाँ पे जनतंत्र बनेगा। ठीक है, दो राह, यहाँ दो राह रथ के पर, अब यहाँ पे कह रहा है कभी क्या कह रहे हैं सुनिएगा, कह रहे हैं कि जिस तरह बादल अब घर्रा रहा है, वैसे ही यहाँ पे अब सभी जनता के अंदर से वो घर्राने की आवाज आ रही है। घर्राने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, दहाड़ने की आवाज आ चुकी है, अब यहाँ से चले जाओ जनता आ चुकी है, यानी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब देखिए, जनता, हाँ, मिट्टी का अबोध मुहूर्त, वही जनता जो मिट्टी की अबोध मुहूर्त है, कुछ नहीं समझती है, सिर्फ प्यार की भाषा समझती है अपनी भारत की जनता, ठीक है, वो अब क्या हो रही है, मिट्टी की मुहूर्त है, वो कुछ जवाब नहीं देती है, कितना भी अत्याचार कर लो सब कुछ सहती है। ठीक है, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जाड़ा हो, पाला हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जो उसको सहती है। ठीक है, जब अंग अंग में लगे सांप को सांप हो चूस रहा है, जिस तरह ठंडा में क्या होता है, ऐसा लगता है कि सांप चूस रहा है, ठीक है, इतना ठंडा तेजी से पड़ता है, उस समय जनता सब सहती है, तब भी वह कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, यानी कि कभी भी वो मुंह खोल करके अपने दर्द को बयान नहीं करती है, कितना भी ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, अपने देश की जनता, अपने देश के लोग, आप देखिएगा हमारे माँ बाप होते हैं, कितना भी उनको तकलीफ हो जाए, दर्द हो जाए, दुख हो जाए, लेकिन कभी बच्चा से नहीं कहते हैं, बच्चा को कहते हैं कि तुम जाओ पढ़ो, इतना हमारे यहाँ के लोग सहते हैं, यानी भारत के लोग ऐसे सहनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ की जनता सब सह रही है। अब यहाँ देखिए, जनता, हाँ, लंबी लंबी जीव की वही कसम, यानी कि लंबी लंबी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, ये जनता जो है ना बड़ी तकलीफ वेदना सहती है, यहाँ पे हर प्रकार के अत्याचार हुआ है, लेकिन हंसते हुए यहाँ की जनता सह ली, वो कर भी क्या सकती है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा दिन, कितना दिन तक कोई सहेगा, जनता अब मानने वाली नहीं है, यहाँ समझिएगा। सो ठीक, मगर आखिर इन पर जनमत क्या है, ठीक है जनता सहती है, लेकिन जन का मत क्या है, जनमत, जन माने लोग, मत माने सपोर्ट किया, आखिरकार सभी लोगों का क्या मत है, क्या करना चाहिए, है यह प्रश्न, देखिए है प्रश्न गुण, जनता इस पर क्या कहती है, प्रश्न, यह प्रश्न रहस्यमयी है। देखिए यहाँ पे गुण का मतलब होता है बाबू रहस्यमयी, यह प्रश्न रहस्यमयी है कि जनता क्या कहती है, आखिर जनता क्या चाहती है, इतना दुख दर्द सहती है, यह रहस्यमयी बात एक है, आखिर क्या चाहिए जनता को, जनता को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, क्या चाहिए, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जनता एक फूल के समान है, जिस तरह फूल को तोड़ने के बाद उसे किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, एहसास नहीं होता, अगर उसे दर्द भी होता है तो वो बताता नहीं, उसी प्रकार जब यहाँ अंग्रेज था तो अंग्रेज हर एक प्रकार की वेदना को देता था, तकलीफों को देता था, और फूल की तरह यहाँ की जनता उस दर्द को बर्दाश्त करती थी, यहाँ समझिए, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, जैसे कि फूल को जब मन करे तब तोड़ लेते हैं और उसे क्या करते हैं, सजा लेते हैं, वैसे ही जब चाहो जनता का इस्तेमाल अंग्रेज करते थे, जब चाहो उन्हें काम पर भेजो, भुखमरी के दलदल में वो फंसते जा रहे थे भारत की जनता जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था। यहाँ देखिए, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में, यहाँ ऊपर है, अथवा कोई दुग्ध, यहाँ दुग्ध मोही जिसे बहलाने में, जिस तरह बच्चे को दूध पिला करके बहला लिया जाता है, थोड़ा सा किसी प्रकार का हिंट दे करके और यहाँ की जनता को बहला लिया जाता था, यानी कहने का सेंस है बाबू, ध्यान से समझिएगा, जनता को यहाँ थोड़ा सा खुशी दे करके बहला लिया जाता था, ठीक है, अंग्रेज उनको बहला करके अपने काम में रखते थे, और जंतर मंतर, यहाँ समझिएगा, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में, और यहाँ छोटा मोटा खिलौना दे करके यहाँ के लोगों को क्या कहे उसमें बहला लिया जाता था, यानी जंतर मंतर का मतलब अंधविश्वासों में यहाँ पे डरा करके, धमका करके, और यहाँ के लोगों को अपने कब्जे में रखते थे, कौन, अंग्रेज, लेकिन वो अब बात नहीं रही, जनता जाग उठी है, जनता आ चुकी है, जनता का राज होने वाला है, नहीं, जनता, जनतंत्र, जनता का राज होने वाला है, समझिएगा, लेकिन होता, देखिए, लेकिन होता भूडोर भवंडर उठते, अब देखिए, अब धीरे धीरे भवंडर उठने लगा है, भवंडर धीरे धीरे ही उठता है, जब सब मिट्टी एक
जगह इकट्ठा होगा, हवा बहेगा तो मिट्टी का बवंडर उठेगा। वैसे ही अंग्रेजों जितना भी प्रताड़ित करना था, परेशान करना था, कर उठे, अब लोगों के अंदर एक बवंडर उठा है कि नहीं अब तो नहीं छोड़ेंगे, बहुत सह लिए, बहुत हमारी माँ बहनों के साथ आपने बहुत दुष्कर्म किया, अंग्रेज इतने अत्याचारी थे कि हर तरीका से शोषण करते थे किसानों का, गरीबों का। यहाँ सुनिए, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुट्टी चढ़ाती थी, अब जनता क्रोध में आ गई है, क्रोध में आकर भ्रिकुट्टी माने होता है ये भौंरा, और भौंरा ऐसे गुस्सा करती थी जैसे भौंरा को ऊपर करके या ये भौं को ऊपर करके, और पूरा चाह ली थी कि अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब ये आखिरी ही है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, यानी कि अब फिर से हर घर में एक एक क्या घर्राहट सुनो, गुस्सा सुनो, अब वो आवाज़ सुनो ध्यान से अंग्रेजों, ठीक है, हर घर में वो आवाज़ आने लगा है। क्या आवाज़ आने वाला था, सुनिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अब सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, बहुत दिन राज कर चुके हैं। अब देखो, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, अब इतना जनता तेज चिल्ला रही है पूरे जोश में है कि वहाँ के राजा महाराजा के महल उखड़कर दूसरे तरफ चली जा रही है। सांसों के बल पर तेज हवा में उड़ता है, सांसों के बल पर तेज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, और वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब यहाँ जनता का शासन कोई नहीं रोक सकता है, जनता का रास्ता रोकने वाले कोई नहीं, यहाँ की हवा तूफान कुछ नहीं रोक सकता है, क्योंकि पूरी जनता, भारत की जनता एक हो चुकी है और इसे रोकना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से अंग्रेजों का पत्ता कटने वाला था, अब वो अपने बाप के घर जाने वाले थे। अब दो शताब्दी सहस्त्रवाद का अंधकार, यानी कई वर्षों से इस भारत में अंधकार छाया हुआ था, ठीक है, लेकिन अब ये बात नहीं रहा, ये सब बीता, अब ये बीत चुका, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, गवाक्ष का मतलब होता है बाबू बड़ी सी खिड़की, और अंबर यानी कि बड़ी सी खिड़की के तरफ देखो, अब ये पूरा अंबर देखा जा रहा है, यहां पे खाली ही खाली दिखा जा रहा है, ठीक है। दहके जाती है, और यहां पे यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय है, और यह सब जो बताया जा रहा है ये जनता का एक सपना है, स्वप्न है, जो कि चाहते हैं कि हम अजय हैं, अजय का मतलब अब आज़ाद हो चुके हैं, जिस तरह कहा जाता है ना अजय अमर, हमेशा के लिए अमर है, वैसे ही अब जनता स्वप्न देख रही है, अब हम लोगों का राज रहेगा, ठीक है। चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं, यानी अंधकार का कलेजा चीर करके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चीरते तिमिर के वक्ष उमड़ते आते हैं, अंधकार का कलेजा चीर करके ये भी लोग आ रहे हैं। जितना पहले अंग्रेजों के अंधकार में दबे हुए थे ना, अब ये अंधकार का कलेजा चीर करके और जनता आ रही है, यानी अंग्रेजों को भगाएगी और जनता अपने पूरे भारत को प्रकाशित करेगी, यानी जनता का राज होगा, यहाँ के हर लोग यहाँ के राजा हैं, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा। अब देखिए, आज तक आप देखे होंगे राजा महाराजा, जब एक ठो राजा महाराजा आता है तो उसको राजतंत्र यानी कि उसका राज मुकुट पहनाने के लिए कितना लोग जमा होते हैं, लेकिन यहाँ पूरी जनता इस भारत का राज, मतलब राजा एक तरह से है, क्योंकि वो पूरे जनता का राज होने वाला है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि सबसे विराट जनतंत्र, ये जो जनतंत्र है विश्व का सबसे भारी जनतंत्र है, सबसे विराट जनतंत्र का जगत अब आ पहुँचा है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अब 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि यहाँ उस समय जब अंग्रेज था और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय जनता यहाँ पे 33 करोड़ थी, तो 33 करोड़ अब राज करेगी इस पूरे भारत पर, 33 करोड़ के लिए अब सिंहासन तैयार करो, यहाँ पे बाबू ये कहा जा रहा है। अभिषेक आज राजा की नहीं प्रजा की है, अभिषेक का मतलब समझता है जैसे राज्य अभिषेक होता है, राजा को क्या बोला, राज्य सौंपा जाता है तो बोला जाता है राज्य अभिषेक हो रहा है, क्योंकि इस राज्य के राजा अब ये हैं, लेकिन इस बार राजा का राज्य अभिषेक नहीं होगा, प्रजा का राज्य अभिषेक होगा, यानी कि अब प्रजा का राज रहेगा। 33 करोड़ जा करके सिंहासन तैयार करो है दम तो, ठीक है। यहाँ देखिए, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, तू आरती लिए किसे ढूंढता है, राजा को ढूंढ रहा है, यहाँ 33 करोड़ जनता पड़ी है, ठीक है। मंदिरों राजप्रसादों में तहखाने में कहाँ भगवान को ढूंढ रहा है तू, ठीक है। यहाँ समझिएगा इस सेंस को कि तुम आरती लिए कहाँ ढूंढ रहे हो, मंदिर में भगवान को ढूंढ रहे हो या फिर राजप्रसाद में, प्रसाद में ढूंढ रहे हो, तहखानों में ढूंढ रहे हो, अलग अलग, देवता कहीं नहीं, सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलते हैं खेतों में खलिहानों में। देवता यहाँ कवि किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो पूरे देश के लिए काम करता है उसे देवता बोला है, वो किसान जो पूरे देश को खाना खिलाता है उसको देवता कह रहा है, वो सड़क बनाने वाला एक मजदूर उसे भगवान कहा जा रहा है, यहाँ कवि उसे भगवान कह रहे हैं जो एक देश के लिए काम कर रहा है। तो देवता मंदिर मस्जिद में मत ढूंढो, आरती लेके मत ढूंढो, कहाँ ढूंढो, उस हर एक
काम करने वाले मजदूर जो भारत के लिए सहयोग करते हैं, हर उस व्यक्ति को देखो, वो एक भगवान है, कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देवता मिलेंगे खेत में, खलिहान में मिलेंगे, जो किसान खेती कर रहे हैं ना उसमें भगवान दिखेगा, क्योंकि वो पूरे भारत का एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है खेती को। यहाँ समझिए, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। जितने भी फावड़े और हल हैं ना, अब वो लोग चलाएंगे देश को। फावड़े हल मतलब क्या, किसान देश को चलाएंगे, वो अब राजदंड रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, यानी कि धूसरता सोने की श्रृंगार सजाती है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो राह समय के रथ का घर्रर, यानी कि घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, यानी कि अब सिंहासन खाली करो, यहाँ पे किसी प्रकार का जो आपका श्रृंगार है नहीं चलेगा। ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आ चुकी है। तो यही रामधारी सिंह दिनकर इस कहानी में जनता को मोटिवेट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोले हैं जनतंत्र का जन्म हुआ है, यानी कि लोगों के अंदर, ठीक, अपने देश के प्रति जनतंत्र का जन्म हुआ है। जनतंत्र समझ रहे हैं क्या होता है, लोकतंत्र। पहले अंग्रेजों का राज चल रहा था, अब पूरे लोगों का राज चल रहा है। तो लेखक कह रहे हैं, यही बात यहां पे बोले हैं कि 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अब जनता का राज है। ठीक है, तो उतना तो मुश्किल है, क्योंकि 33 करोड़ लोग थे। तो ये आपको पूर्ण रूप से जो कविता है, कहानी के रूप में बताएं, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह पूर्ण रूप से आप कराया जाएगा। आपको 95 नंबर एनी हाउ लाना है, मेहनत एकदम जबरदस्त तरीका से करना है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।